का राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में पीएम मोदी बोले शहरों के विकास को लेकर लोगों को भाजपा पर है भरोसा। अमेरिका में पहली बार सुंदर पिचाई ने किया भारतीय दूतावास का दौरा, तरनजीत सिंह संधू से कई मुद्दों पर हुई बात। मोहाली वीडियो लीक मामले में नया मोड़, आरोपी लड़की के फोन में मिला एक और आपत्तिजनक वीडियो। शशि थरूर की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, किसी को किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने की गेंदबाजी की प्रैक्टिस, 30 मिनट तक जमकर बहाया पसीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहे। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे कोई नहीं है, विपक्षी नेता केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगाते हैं, जबकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। बता दें सीएम धामी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौराहा सांसद रेखा अरुण वर्मा के यहां आयोजित अखंड पाठ में शामिल होने आए थे। रामपुर में आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी में लिफ्ट के लिए बनाए गए कमरे की दीवार तोड़कर मदरसा आलिया की बेशकीमती किताबें चोरी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कुछ समय पहले जुआ खेलने के जुर्म में गिरफ्तार किए अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनावर और सालिम की निशानदेही पर किताबें बरामद की है। बाकी के सामानों की बरामदी अभी बाकी है। उसमें तीन लोग वांछित चल रहे थे, अनवार और सालिम। तो दो दिन पहले अनवार को और सालिम को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। इसी दौरान कल एक और मुकदमा लिखा गया, जो वाकर खां हैं यहाँ के रहने वाले, एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने बताया कि नगर निगम में रामपुर में कुछ सफाई करने के लिए मशीनें खरीदी गई थी, बहुत महंगी मशीनें थी, और वो जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वहाँ से मशीनें मंगवा ली थी, वहाँ के शहर जो शहर चेयरमैन था उसकी मिलीभगत से। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार, जौहर यूनिवर्सिटी की लिफ्ट की दीवार तोड़कर किताबें चोरी की गई हैं, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो आजम का है उनकी मुश्किलें जो है मतलब बिल्कुल भी थमने में नजर नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं, कल ही की बात है, क्या बोलते हैं, जो अनवार है और जो सलीम है उनकी निशानदेही पर क्या बोलते हैं पूरे प्रशासन जो है पहुंचा है वहां पर। वहां पहुंचने के बाद वहां जब खुदाई की गई तो वहां पर जो है एक नगर पालिका की वहां पर एक मशीन भी खैर बरामद हुई है। उसके बाद जब उन दोनों से जो है और पूछताछ की गई आज, तो उस पूछताछ के दौरान और ये पता लगा कि वहां पर जो है कुछ किताबें भी वहां मौजूद हैं। तो जब वहां जो लिफ्ट है वहां की, जब उस लिफ्ट के बाहर में जो कमरे थे वहां के, जब उनको निकाला गया, खोदा गया, तो फिर वहां पर जो है कई बहुत सारी किताबें भी जो है बरामद की गई हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तुषार। फिरोजाबाद के सुहाग नगरी के एक मसाले की फैक्ट्री आस्था इंटरप्राइजेज में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें नकली मसाले बनाने के सामान को बरामद करते हुए फैक्ट्री को सील किया गया है। बता दें कि खाद्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में 5 सदस्यीय टीम ने कार्यवाही की। जानकारी के मुताबिक पूरे जिले भर में दर्जनों नकली मसाले की फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। खाद्य विभाग इन पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर इनकी कमर तोड़ने का कार्य कर रहा है। ये फैक्ट्री लालाऊ रोड पे स्थित है और आस्था इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित है। 2018 से इनका निर्माण कार्य चल रहा है और इनके यहाँ छापेमारी में काफ़ी सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड और कुछ पौधे के भूसे और
पाउडर्स बरामद हुए हैं जिनको काफ़ी मतलब गधे की लीद या घोड़े की लीद होने की संभावना बताई जा रही है। इस पर फैक्ट्री को सील करके आगे की कार्रवाई की। गोंडा की खंड शिक्षा क्षेत्र में ग्राम पंचायत दुर्जनपुर मोहजेना के प्राथमिक विद्यालय छेदा जोत में जल भराव की समस्या में छोटे छोटे छात्र और अध्यापक जूझ रहे हैं। विद्यालय में एसडीएम बनने से लेकर शिक्षण कार्य के लिए आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही जहरीले जीव जंतुओं द्वारा छात्रों को आहत करने का खतरा बना हुआ है। इस समस्या को दूर करने के लिए जिम्मेदारों से विगत कई सालों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन ग्राम प्रधान समेत सभी जिम्मेदार अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय छेदाजोत और ये विद्यालय हमारा दुर्जनपुर ग्राम सभा में स्थित है और हमारे यहाँ समस्या हर साल ऐसे बनी रहती है जल भराव का। अभी पिछले एक हफ्ते से जो बारिश हुई है उससे जल भराव लगातार बना हुआ है। आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे बच्चे हम लोग सभी जो है इसी पानी से आते जाते हैं और इस समस्या का जो है हम लोग अपने से जो भी उच्च अधिकारी हैं ग्राम प्रधान हैं जो भी संबंधित हैं सबको हर साल देते हैं लिख के बताया भी जाता है कि भाई इतना ज़्यादा हो तो हमारे रास्ते को पटवा दिया जाए, लेकिन आज तक जो है इस पे कुछ हुआ नहीं। लखीमपुर खीरी में कोतवाली धौरहार के एक गांव के बेबस मजदूर पिता ने पुलिस अधीक्षक खीरी को एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसकी 15 साल की बेटी को कोहलीपुरवा निवासी राजेश यादव पुत्र नंद किशोर राजेश का बहनोई अरुण 8 सितंबर को लगभग 3 बजे शौच करने गन्ने के खेत से जबरन उठा कर ले गए। उस दिन कोतवाली जाकर पीड़ित ने घटना की तहरीर दी, लेकिन मामले में आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी मामले में पुलिस अधीक्षक खीरी संजीवन सुमन को प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। जनपद में इस समय जो बच्चियों के खिलाफ एक तरीके से षड्यंत्र चल रहा है और एक हमारे यहाँ लव जिहाद का भी इसमें हम बताएंगे तो हो रहा है कि सोची समझे साथ 5-5, 6-6 लोगों ने उस लड़की बच्चियों को उठाया और 2-2 बच्चियों को एक साथ में लटका दिया गया। ऐसी घूर और क्रूर अपराधों की तरह से हमारा दिल एक बहुत ही द्रवित हो गया है और इसके लिए अब आंदोलन के लिए हम लोग विवश होंगे। सर, हमारी लड़की गायब हुई है, आज मतलब 8 तारीख को गायब हुई थी। हमने कार्यवाही किया तो हमारी कार्यवाही कोई सुनी नहीं जा रही। हम गरीब आदमी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम पैसे वाले नहीं, वो गुंडा लोग हैं। हम बताओ मजदूरी मजदूरी करते हैं, अपने लड़कों को पालते हैं कि हम घर का जब शाम को आते हैं तब हमें पता चलता है कि गुंडे लोग आते हैं तो फसलाए बकाए के हैं, लड़की ले गए। हमने ढूंढने ले गए, नहीं मिले, हमने FIR कर दिया। ये जनपद में जो घटनाएं हो रही हैं मासूम बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ की और रेप की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन नाबालिग बच्चियों को असमय ही काल के गाल में भेजा जा रहा है इस षड्यंत्र के तहत, और पुलिस प्रशासन जो है घटना हो जाती है उसके बाद में कार्रवाई में अमल में लाता है, उससे पहले क्यों नहीं सचेत होता। अलीगढ़ में देर रात थाना देहली गेट क्षेत्र के उस्मान पाड़ा क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 युवक को गोली लगी है जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गोली चलाने वाले हमलावर फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचकर घटना की जाँच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि उस्मान पाड़ा क्षेत्र में कुछ लोग आपस में विवाद बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार 3 युवक आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं तो खड़ा हुआ था वहाँ पीछे से, मेरी पीठ थी। कहाँ की घटना है? उस्मान पाड़ा। उस्मान पाड़ा, तो कोई जानते हैं किन लोगों ने गोली मारी है? नहीं। आपके पिताजी का नाम क्या है? मैंने देखा ही नहीं, किसी को नहीं देखा मैं। नजीर अहमद। नजीर जी, कब की घटना, कितने बजे? अभी बिल्कुल अभी टाइम नहीं देखा मैंने। अच्छा, आपकी हार्डवेयर की दुकान है? मैं हाँ डाई बनाता हूँ, मैं मिस्त्री हूँ, मजदूर। कितनी गोली लगी आपने? मेरे 4 लगी। काय पर थे? गाड़ी पे थे। तो कितने जनों को गोली लगी थी? 2 जनों के। किस किस के लगी थी? नदीम और नसीर। तो क्या करते हैं ये? ये पालिस का काम करते हैं, एक का काम है यहाँ पर। नाम उनमें से एक पेशेंट है जिसके नसीर कुछ नाम है उसका, उसके जो है पैर में पीछे की थाई में जो है जान को गोली लगी है पीछे की थाई, और उसी के थोड़ी देर बाद ही एक और नदीम नाम का व्यक्ति आया, उसके सीधे पैर में नीचे की तरफ लगी हुई है गोली। क्या एक एक गोली लगी है? जो पहले वाला व्यक्ति है उसके तो थाई में, दोनों थाइयों में 2-2 गोलियां लगी हैं ना, और नीचे वाला दूसरा जो व्यक्ति है नदीम उसको 1 गोली लगी है। तो ट्रीटमेंट क्या? ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार के बाद हमने उनको मेडिकल कॉलेज।
हरदोई में कोतवाली शहर पुलिस व एसओजी टीम ने टप्पेबाजी और ठगी करने वाले गिरोह को 3 अंतर्राष्ट्रीय 5 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ पुलिस ने एक नाबालिग चोर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करते हुए 33,600 नगद धनराशि और विदेशी पासपोर्ट बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जिसमें से एक बाल अपचारी है, इन लोग का जो है बांग्लादेशी होना ज्ञात हुआ है, एकाध लोग का बांग्लादेश में वैवाहिक संबंध भी ज्ञात हुआ है। इनके पास से 33,600 रुपये रियाल जो कि विदेशी मुद्रा है, मोबाइल फ़ोन का भारी संख्या में, वह एक बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये इसी प्रकार बांग्लादेश से आकर और विभिन्न प्रदेश व देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर सामूहिक रूप से या तो टप्पेबाजी करते थे या चोरी की घटनाएं करते थे। गाजियाबाद के थाना कवि नगर इलाके के आदित्य वर्ल्ड सिटी में कुत्ते काटने का मामला सामने आया है। लग्जरिया एस्टेट सोसाइटी में रहने वाले हेमंत के पैर को रॉटविलर ब्रीड के कुत्ते ने इतनी बुरी तरह काट लिया कि उसे सर्जरी करानी पड़ी। गनीमत बात यह रही कि उसी समय सड़क से गुजर रहे 2 बाइक सवार और 15 में तैनात चौकीदार मौके पर पहुंच गए और हेमंत की जान बच गई। वहां मौजूद लोगों ने घायल हेमंत को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाहर था उस समय, नीदरलैंड अपनी छोटी बेटी के पास गया हुआ था, तो मुझे मेरे सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया कि ऐसे ऐसे आपको आपके बेटे को कुत्ते ने काट लिया है। तो मैंने छोटी सी बाइक ठोकी, पर थोड़ी देर बाद मैंने अपने ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप को मैसेज डाल दिया अपने जो हमारे सोसाइटी का ग्रुप बना हुआ है कि मैं ऐसे ऐसे मेरे डॉग को कुत्ते ने काट लिया, तो आप लोग उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट अभी हुए थे, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वापस बोला यार ये तो बहुत सीरियसली काटा हुआ है, इसको तो रॉटवाइलर ने काटा है और बच्चे को बेहोशी हो चुका, आपके बेहोश का हम क्या कर रहे हैं, इसको आप हॉस्पिटल लेके जाइए। मैं अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था और उसने मेरे को पीछे से आके अटैक किया, जबकि मैंने उनको पहले भी उनके जो घुमा रहे थे ओनर्स उनको मैंने बोला था कि इसको लीश में बांध लो, बट वो विदाउट लीश उसको घुमा रहे थे। उसने पीछे से आके अटैक किया, फिर वो मेरे को काफ़ी दूर घसीटता हुआ भी ले गया और मेरे को 3rd degree बाइट हुई है और स्टिचेस लग नहीं सकते थे, तो इसलिए मेरे को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी, ग्राफ्टिंग सर्जरी। और अब 1 महीना हो गया है, अभी भी मेरे को पेन है और डॉक्टर्स का अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि अभी और 20 से 25 दिन लगेंगे इसको फुल्ली रिकवर होने में। अयोध्या में कोतवाली और थाना कैंट पुलिस की संयुक्त टीम और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 10,000 का इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन और लूट का आरोपी निसार को पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। बदमाश निसार ने पुलिस पर फायर किया था, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई करते समय बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपी के पास से अवैध असलाह और जीवित कारतूस बरामद किया गया है। बुलंदशहर में कंकोड़ थाना पुलिस और गौवंशों के साथ मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान गौवंशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाब देते हुए फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से एक गोकश घायल हो गया और बाकी के गोकश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बीती रात में इंस्पेक्टर कपोड़ द्वारा गश्त की जा रही थी, दौरान एक स्विफ्ट सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दी उनको, उसको टोकने का प्रयास किया गया तो उसमें कई व्यक्ति सवार थे, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग पुलिस द्वारा भी किया गया, उसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, बाकी साथी उसके फरार हो गए। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि महबूब नामक व्यक्ति है, जो हरियाणा जनपद में का रहने वाला है और 10-11 की रात्रि में जो कपोड़ में वो तस्करी की घटना हुई थी उस घटना में शामिल है, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया और अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई गई। हरदोई में थाना कोतवाली शहर के हरदेवगंज में एक युवक की मौत से गमजदा परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक परिजनों का आरोप है कि सूदखोरों ने युवक को अपने जाल में फंसाया और फिर उसे उधारी देकर कई गुना धनराशि वसूल की, लेकिन फिर भी सूदखोरों का कर्ज वह अदा नहीं कर सका। ऐसे में सूदखोरों ने उसके साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पिता ने पूरे मामले की पुलिस से शिकायत कर बेटे को इंसाफ और सुख दुखोरों को सजा दिलाने की मांग की है। अतुल गुप्ता तिरुपत होटल के मालिक राहुल द्विवेदी ठेकेदारी का काम करते हैं, उसको ठेकेदारी की लाइन बता के उसे ठगी भक्की करते रहे। तीसरे नंबर पे ये तुषार दलाल, उसको पैसा इसी से दिला के और इन्हीं लोगों को
ब्लैकमेल उस पर करवाते रहे कि उसको पैसा देते रहो देते रहो, और वे बराबर देता रहा, उसको इतना इन्होंने पीड़ित कर दिया। और चौथे नंबर पे एक सूफियान था, यही चार लोगों ने आपस में साठगांठ करते उसको उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। हमको न्याय चाहिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।